राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रविवार को सीआरसी सीतापुर नेत्र चिकित्सालय पार्क स्ट्रीट सिविल लाइन गोरखपुर में महिला आयोग और महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद गोरखपुर में महिलाओं के लाभार्थ दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर सकुशल संपन्न हुआ। विधिक जागरूकता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी मौजूद रहे। कार्यशाला में विभिन्न विभाग के अध्यक्ष मौजूद रहे, जिसमें बाल एवं पुष्टाहार विभाग के अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, विकलांग कल्याण अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा डीपीएम एमआरएलएम द्वारा चलाई जा रही महिला के लाभार्थ योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान महिला कल्याण विभाग द्वारा आरसीपीएस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी संरक्षण अधिकारी द्वारा दिया गया। साथ ही कार्यक्रम के अंत में उत्तर प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत समाज की महिलाओं को निःशुल्क परामर्श देने वाली परामर्शदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के कुल 80 प्रतिभागी शामिल रहे। कार्यशाला में महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी एवं महिला कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी व जिला प्रोविजन अधिकारी गोरखपुर सर्वजीत सिंह, महिला कल्याण विभाग के से तुहिना दास, राशि कौशिक, पूजा पांडे और बाल संरक्षण अधिकारी संगीता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी, महिला कल्याण विभाग के नोडल अधिकारी व जिला प्रोविजन अधिकारी गोरखपुर सर्वजीत सिंह और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, पहला जो है उसमें महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं 5 से 6 डिपार्टमेंट का है। उसके बाद दूसरा सेशन चलेगा जिसमें कि कल और आज की जो ट्रेनिंग है उससे संबंधित 25 क्वेश्चन बनाए गए हैं और वो एकदम सिंपल है, जो जनरल जानकारी की है उसका एक वो होगा कि हम लोग का जो ट्रेनिंग सेशन है वो कितना सफल रहा है। और उसके बाद हमारे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जो कोविड के दौरान परिवार ट्रामा के सेंटर में स्थिति में रहे हैं, बहुत से परिवार जिन्होंने अपने को खोया है प्रियजनों को, या बहुत से बच्चे जो स्पेशल नीड के थे उनके फेयर के लिए समस्या हुई है, तो उसके लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित किया गया था। और उस काउंसलिंग में जिन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया है उनको प्रमाण पत्र वितरण का भी कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से 3 चरणों में आज का सेशन चलेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि लंच के पहले ही हम इसको व्यवस्थित करके समाप्त कर लें। प्रकार की क्षति दिव्यांगता या असामान्यता होने से आप बचा सकते हैं। तो कार्यक्रम की विधिक शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप किसी भी बच्चे को एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है। तो आप सभी मातृशक्तियों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप जब घर में रहती हैं या आप जब बच्चे की परवरिश कर रही होती हैं या बच्चा आपके सामने जब होता है, जब आप उसकी देखभाल कर रही होती हैं, तो उसकी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनको देखने के तत्पश्चात आप यह निर्धारित कर सकती हैं कि बच्चा सामान्य है या असामान्य है। सबसे पहले जब बच्चा इस नई दुनिया में आता है तो बच्चे का पहला जो लेशन है, पहला जो सबक है, वो बच्चे का रोना होता है। बच्चा अगर रो दिया तो आप ये समझ लीजिए उसके प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, पूरे संपूर्ण शरीर में इवन ब्रेन तक आप ऑक्सीजन की सप्लाई देख सकते हैं। काउंसिल सर्विस प्रोवाइड की।
कार्यक्रम में योगदान करा है, श्रोता तालियां मैडम के लिए। मनसा चंदाला गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन्होंने लगभग 4 महीनों तक काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की है। मलेरिया इंस्पेक्टर सीएमओ कार्यालय, इन्होंने लगभग 300 लोगों को काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की है, लगभग 300 लोगों को काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की है। काउंसलिंग सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त कल हमारे सेशन में संगीता प्रकाश त्रिपाठी जी थी, ये काउंसलर है लीगल एंड एकेडमिक्स में, इन्होंने लगभग 113 लोगों को काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की है। सौरभ कुमार दुबे जो हमारे सोशल वर्कर है ICPS के, इन्होंने भी 100 लोगों को टेलीफोनिक काउंसलिंग सुविधा प्रदान की है। प्रीति सिंह सोशल वर्कर OSP, इन्होंने 100 लोगों को काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की है। कोई बात नहीं, मैं निर्मला द्विवेदी, सदस्य राज्य महिला आयोग। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे आज हमारी 2 दिवसीय कार्यशाला थी, जिसमें महिलाओं से संबंधित सभी विषयों पे चर्चा हुई है। हमारे सभी, जैसा कि अभी अंजू दीदी ने बताया, हमारे सभी सरकारी अधिकारी सभी मौजूद थे। सबके बीच में सरकार की योजनाओं को कैसे प्रचारित किया जाए, कैसे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, किस किस ढंग से हम उन्हें अंजाम दें, इस तरह की बातें कार्यशाला में बताई गई हैं। बहनें कैसे आगे बढ़ें, कैसे उनको सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले और वो सुखी हों, समृद्ध हों, आगे बढ़ें, उनका विकास हो, और बहनें शुरू से ही अपने में ही परिवर्तन लाएं। जिस तरह वो बेटों को अपनी सारी सुविधाएं देती हैं, इसी तरह वो बेटियों को भी सारी सुविधाएं दें, ताकि बेटियां भी आगे बढ़ें, तरक्की करें और वो भारत का नाम रोशन करें। मैम, आज बालिका दिवस है, इस पर क्या करें? मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत बहुत पहले से ही दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली देवियों को स्थान देता आया है। हम सब उन्हीं की संतान हैं और उसी रूप में है। आवश्यकता है हमें अपने आप को पहचानने की, हमें अपने बल को पहचानने की। ऐसा कुछ नहीं जो हम परिवार चलाते हुए समाज के लिए न कर सकें, और हम अपने लिए भी, हम अपना भी जीवन यापन अपने भी कार्यों के लिए जी सकते हैं, हम अपनी भी, अपना भी पेट भर सकते हैं और हम समाज को भी चला सकते हैं। इतनी कैपेसिटी हमारे में है। आवश्यकता है बहनों को अपने आप को पहचानने की, इसीलिए हम इस तरह की राष्ट्रीय महिला आयोग इस तरह के शिविरों को करके और महिलाओं में जागरूकता फैलाने के प्रयास कर रहा है। मैं सर्वजीत सिंह, जिला प्रवर्तन अधिकारी गोरखपुर। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग और महिला कल्याण विभाग द्वारा 2 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था, और इस शिविर का आज समापन दिन था, 2रा दिन था, और जिसमें कि लगभग हमारे 80 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, और जो कि विभिन्न विभागों, NGO की या समाज के क्षेत्र में, समाज में जो स्वसक्षता की भूमिका निभाई महिलाओं के उत्थान के लिए, उन सबका आज ये ट्रेनिंग था। और इसमें माननीय उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती अंजू चौधरी मैडम और माननीय सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती निर्मला द्विवेदी मैडम ने प्रतिभाग किया था, ये उपाध्यक्ष मैडम मुख्य अतिथि के रूप में और माननीय सदस्य मैडम विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी, और ये कार्यक्रम आज समाप्त हुआ है, सकुशल सम्पन्न कराया गया है। और इस दौरान सर्टिफिकेट भी दिया गया। हाँ, वो हमारे मिशन शक्ति के अंतर्गत माह नवंबर में कोविड के दौरान ऐसे परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था या किसी भी प्रकार की समस्या से मानसिक ट्रामा की स्थिति में आ गए थे, या ऐसे बच्चे को, छोटे बच्चों के परिवार या स्कूली बच्चे जो घर में काफ़ी समय से रहने की वजह से मानसिक ट्रामा की स्थिति में आ गए थे, उन बच्चों की काउंसलिंग के लिए एक अभियान चलाया गया था।
उस अभियान में जिन सोशल वर्करों ने या काउंसलरों ने सहयोग किया था अभियान के दौरान, उन 19 काउंसलर सोशल वर्कर को हम लोगों ने आज प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया है। कितने लोगों को लगभग सम्मानित किया है? 19 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मेरा शुभ नाम अंजू चौधरी है, मैं पूर्व महापौर रह चुकी हूँ, गोरखपुर की प्रथम महिला महापौर रही हूँ और वर्तमान में मैं राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार की उपाध्यक्ष हूँ राज्य महिला आयोग की। आज हमारा जो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आधारित निर्धारित जो कार्यक्रम था महिला कल्याण विभाग और दोनों मिलकर के और राज्य महिला आयोग द्वारा हम लोगों ने यहाँ गोरखपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला किया था, तो आज उसका समापन था और इस समापन में विभिन्न विभाग जैसे कि विकलांग विभाग के लोग थे और उसके बाद समाज कल्याण के, कौशल विकास के, बाल विकास के, पुष्टाहार के, जिला कार्यक्रम अधिकारी यहाँ जो हेमंत सिंह जी और नितिन सिंह जी, ये लोग पिछड़ा वर्ग वाले, ये लोग सब यहाँ पर आए थे। इन लोगों ने अपनी बातों को सामने रखा है और उसके बाद जो उन लोगों ने अलग अलग विभाग से बहुत अच्छा कार्य किया है उन लोगों को सम्मानित किया गया, उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दिया गया है ताकि वो अपने काम में और लगन से काम करें और इस तरीके से उनको एक इंसेंटिव दिया गया है। इस कार्यशाला से उनका बहुत लाभ हुआ है। उनके बाद उन्हें एक एग्जामिनेशन टाइप का उनको एक पूरा परफॉर्मा दिया गया जिसमें उनको अब पूरी सही तरीके से जानकारी है कि नहीं इसके बारे में, अलग अलग जो सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उनको जानकारी पूरी है कि नहीं, इसे क्वेश्चनर भी दिया गया था जो कि बहुत अच्छा काम हुआ। और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हर स्कूल और कॉलेजेस में इसको लॉन्च करना चाहिए क्योंकि जो सरकार में काम कर रहा है उसको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होता है लेकिन जो गैर सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उन लोगों को बिल्कुल इन सब योजनाओं का मालूम भी नहीं होता और लाभ भी नहीं उठा पाती हैं। तो महिलाओं के लिए जो जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं उसको देना, उनको लॉन्च करना हमारा दायित्व बनता है, इसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है और बहुत अच्छे तरीके संख्या में मलेरिया विभाग से लेकर के हेल्थ विभाग, शिक्षा विभाग से सभी विभाग के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, उनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस तो हम लोगों ने कार्यशाला में इसलिए किया ही था कि हमारी बालिकाओं को किसी तरह से हम कैसे सुरक्षित रखें क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सरकार चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो दोनों जगह से उनका मुख्य उद्देश्य है कि हम बालिकाओं को, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखें, खास करके इस कोविड वाले पैंडेमिक के स्थान में जो हमारा वो था बंदी वाला टाइम था उस टाइम पर क्राइम बहुत बढ़ गया था तो उसको कंट्रोल करने के लिए बालिका दिवस ऐसे कार्यक्रम और भी कार्यक्रम हम लोग हर दूसरे चौथे डेट उसको कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं और कार्यक्रम करा रहे हैं क्योंकि इसको हमें रोकना है, जागरूकता लाना है, अवेयरनेस लाना है, एक रेवोल्यूशन लाना है कि महिलाओं के प्रति जो एक लोगों की मेंटल डिस्टर्बेंस कहा जाए, मेंटल सेट हो गया है उसको हमको बदलना है, उनकी मानसिकता को ठीक सही करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हम लोगों की कमी है कि हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम हर सही तरीके से समाज में खुद को ना पेश कर पा रहे हैं ना ही ऐसे लोगों को, अपराधियों को हम उनको पनिश सही दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके अपराध को रोक लगाया जाए, चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो दहेज लेकर के हो, किसी भी मायने में ये जो बढ़ता चला जा रहा है अपराध उसको रोकने के लिए विशेष रूप से ये बालिका दिवस मना करके हम लोगों ने जागरूकता लाने का काम किया है और कार्यशाला से उनको हर तरह की जानकारी दी है।